और ये यहाँ पर कितनी प्यारी सी यार, मेरे को इसके साथ खेलने का है, इसको कुछ खिलाने का है, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल खिलाने के लिए इसके पास इसको कुछ भी नहीं है। इस पीछे से ये ठीक से नहीं दिख रहा था ना, अभी देखो यहाँ पर ठीक से दिख रहा है। ये भी ताजमहल का ही पार्ट है एंड ये वाला बीच में बड़ा सा, अभी जैसे जैसे नज़दीक जा रहा हूँ और ज़्यादा ऊँचा लग रहा है। एंड दिस इज द लास्ट वंडर ऑफ द सेवन वंडर्स। इस तरफ ये बड़ा बड़ा सा गेट जितना क्या हुआ, उधर से किधर से जा रहे? बस के लेने जाना है। क्या लेने? बस बस सब बस के लिए इधर से है क्या? हो राधे राधे। ए प्लान कसा झालाय, काय झालाय? काय आता इतना डायरेक्ट जन्म तुम्ही? हां जन्म पूजन गोवर्धन। हां म्हणजे आज आग्रा नाही होणार? आज नाही का? अरे यार आज मी एक्सपेक्ट करत होतो आज आग्रा झालं पाहिजे, आज झालं पाहिजे। उद्या पहिलं तेच आहे। सुनो आईसी सॉरी फर्स्ट टाइम मिली ना? अरे दांत क्या हो गए? हे सगळं पहिल्याच आहे, काय बनवलं हे? त्या टायमिंगचं बांधकाम आहे, रिनोव्हेट केलंय हे, त्या टायमिंगचं बांधकाम नाही रे भाई। फोन नाही लेके जा सकते? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभिलाष शर्मा बोला है 1000 रुपए में रूम देखिएगा। बस लोक 800 रुपये वर आढळून राहणार। त्याला बोललो तिचे 3 तू आण आम्ही 10 लेकिन अभी तक दिख नहीं रहे, वॉक ही कर रहे। तो इस ट्रिप पे आने के बाद फर्स्ट वीडियो आज बना रहा है आई थिंक। चल के जा रहे, पीछे बहुत सारे लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं। गौरव इज विथ मी, मेरा गॉगल भी पीछे।
ये प्रमोद एंड संजू, मेन तो मैं ताज देखने के लिए आया था, और मथुरा सेकंड। यहाँ पर भी बंदर है, मथुरा में भी बंदर थे, लेकिन यहाँ के बंदर थोड़े साले थे। मथुरा वाले बंदर तो आपका फोन, गॉगल, चश्मे, जो भी ये सब छीन ले लेते। ये भाई इधर छीनने का सीन नहीं होना चाहिए, बस झगड़ा हो गया भाई। ए माकड़ा, माकड़ा मध्ये त्याला पाठव, इथून नाही घेत, हे वाले नाही घेणार चष्मा, माझा चष्मा अक्षर नीट ठेव, एक वाजला ना पूजा, नाही 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 ठीक आहे, थँक्यू। आज पहला व्यू तो दिख गया, छोटा सा बैक साइड ऑफ द ताजमहल। अंदर जाना, इधर से सिक्योरिटी चेक हो गया, अंदर आ चुके अपने दोस्त, अभी सिक्योरिटी चेक कर लगे, गॉगल गॉगल शूज शूज सबने आज वाइट बहुत ज़्यादा पहने। ए विंडे वाइट मध्ये छान दिसतोस, थैंक्स ब्रो, गुड अच्छा गए विमल, विमल कटर भरले, हाँ वे गुटखा बिटखा पार्टी, अरे हाँ गुटखा खाणारे असतात ना बरेच, चला गाइस, अच्छा आपण व्हाईट, सगळे व्हाईट, ग्रे ग्रे व्हाईट व्हाईट व्हाईट, या दोघांची एकदम ट्विनिंग झाली, तुझा घासा घासा आवाज मॅच नाही फक्त, चष्म्याचा नंबर पण सेम मस्त आहे। असं इधर से वॉक करते करते व्हिडिओ निकलता अच्छा लगता, खतरनाक सीन आहे। अभी तो ताजमहल भी नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ पर, रेड रेड पता नहीं क्या ही दिख रहा है, वाइट कलर में ताज है और दिखने में कैसा लगे दिख रहा है अपना, ये देखो ताजमहल भाई दिख गया, घूमर भाई घूमर दिख गया। मला वाटलं राजा आता गाईड बनतोय, गलत इन्फॉर्मेशन मध्ये काय जाबर, शूट करने के लिए बहुत सारा कुछ है यार, मतलब अगर सिनेमैटिक तरीके से है ना शूट करो ना बहुत सही है, ये वाला भी बहुत बड़ा। हाँ कसली ही सेंटर वाली लाइन, सेंटर घेऊन तिकडे काय माग, हा ते गेट दिसतंय एकदम गेट सरळ, ताजचं गेट आहे का ते, एकदम सेंटरची लाईन आहे, सुरजामध्ये काय नाही मला सर सर साईडला, आणि इकडनं माग आउटर गेट, ए फोटो काढूया का मी तर, आज जायचे अगोदर तिथंच शूट चालू झाले, मग अशी तर म्हणत होता फोटो नाही काढायचे, आता काय झालं गाइस, अभी आपको जो फाइनल लुक दिखने वाला है ना सामने, क्या जबरदस्त दिख रहा है इसे, और वाइब आ रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, अभी तक तो हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर एक एंट्री जैसा कुछ है। क्या ही सही,
क्या दिख रहा है ताजमहल वहां पर जाकर नमस्ते रील भी शूट करूंगा यहाँ पर ये एंट्री एंड यहाँ से सामने सीधा ताज किसी साइड से जाना पड़ता है इधर से जा रहे उधर से जा रहे एंड बीच में से इतना पानी ये है ताज डेली इतनी भीड़ रहती है इससे ज़्यादा आज मंडे इसलिए कम है क्या सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा रहते हैं सही है लेकिन देखो गैलरी यहाँ पर कब से बैठी थी जब भी मैं निकल रहा था मेरे को बस यहीं पर शूट करना है डर नहीं लगता है सी कितना है बस एक हाथ का फासला है काट ना ले भाई मेरे को डर लग रहा है मेरे को खुद डर लग रहा है उससे अरे हाथ लगाने दे रही लेकिन वो डर रही थोड़ी भी वो भी और मैं भी पीछे पीछे जा रही थोड़ी सी आजा काट मत बस भाई यो भाई डर लग रहा मेरे को चुस्त से बहुत ज़्यादा ये भाई एनिमल लवर है अपन सारे एनिमल पसंद है मेरे को तो कल तो मेरे हाथ में ना सांप था और ये यहाँ पर कितनी प्यारी सी यार मेरे को इसके साथ खेलने का है इसको कुछ खिलाने का है लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल खिलाने के लिए इसके पास इसको कुछ भी नहीं है बस कुछ तो चाट रही है हाथ चाट दे लेकिन काट ना दे बस किसी को छेड़ो नहीं और कोई तुम्हें छेड़े तो छोड़ो नहीं अरे डर रही आवाज से भी डर रही है यार बहुत जैसे मैं इससे डर रहा हूँ वही वैसे ही ये मुझसे भी डर रही है खेल सकता है यार पूरा दिन भर इनके साथ बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है ये अभी भी है ना 500 मीटर्स के अराउंड होगा यहाँ से लेकिन फिर भी कितना बड़ा लग रहा है थोड़ा सा आगे जाते चलते और फिर देखते कैसा है ज़बरदस्त लग रहा है मेरे को है ना इवनिंग के टाइम पे आना था लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा है इवनिंग के टाइम पे ना बहुत सारे चीज़ें है ना शॉर्ट में दिखेगी इस तरफ क्या है वो नहीं पता ये बीच वाला ताजमहल है ताजमहल का हिस्सा ये भी आगे पीछे साइड में और यहाँ से वो बैक साइड में जो कि गेट है जिस जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम रुकते एंड सी यहाँ से बीच में और बीच में हम रुके हुए हैं पीछे से ये ठीक से नहीं दिख रहा था ना अभी देखो यहाँ पर ठीक से दिख रहे हैं ये भी ताजमहल का ही पार्ट है एंड ये वाला बीच में बड़ा सा अभी जैसे जैसे नज़दीक जा रहा हूँ और ज़्यादा ऊँचा लग रहा है 05 में शूट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा और इस तरफ भी है पता नहीं ये क्या है गेट ही होंगे जैसे वाला ये पिछला गेट है ये वाला भी वैसे ही होगा लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ से गाइस ऊपर आने के बाद देखो क्या ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है अभी बहुत ज़्यादा सही फंसाते फोटो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पीछे बहुत ज़्यादा वाइट है नहीं इसलिए सो गाइज हियर इज द ताजमहल क्या ही बड़ा बड़ा लग रहा है इतना बड़ा आर्किटेक्चर है ना पता नहीं मैंने कभी देखा भी होगा अभी या नहीं मेरे को तो लगता नहीं है कि देखा है मैंने एंड दिस इज द लास्ट वंडर ऑफ द 7 वंडर्स सी इस तरफ ये बड़ा बड़ा सा गेट जितना बड़ा ये हाइट पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ये हाइट पे लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है यार सारा पूरा संगम रवरी पत्थर वाला है एंड ये भी यहाँ पर ये थोड़ा अलग रेड कलर का पत्थर है बट ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है
धूप में वहाँ काफी चमक रहा है, ये बहुत ज्यादा चमक रहा है। दो तीन दिन से मथुरा घूम रहे, आज दिल्ली आगरा, जो मेन पर्पज था मेरा उस मेन पर्पज के ऊपर मैं आकर फाइनली अपना ब्लॉग शूट की कर रहा हूँ। यार मेरे को है ना काफी अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पर, बहुत सारी अच्छी अच्छी वाइब। गाइस ताजमहल के साइड में है ना एक रिवर भी है, एंड हियर इज द रिवर। इस रिवर का नाम नहीं पता है मेरे को, लेकिन बहुत सही लग रही है। ये देखो, अब देखा था आगे की कैमरे से, हियर इज द रिवर गाइस। और पीछे की साइड में कुछ तो बना है, वो वाला आई थिंक लाइट हाउस के जैसा होगा। और ये वाइट सैंड है यहाँ पर, पता नहीं वाइट सैंड कैसे की हुई है। एंड सी बहुत बड़ी रिवर है, इसका जो सरफेस एरिया है काफ़ी बड़ा है। एंड यहाँ पर नीचे का पूरे गेट वगैरह लगे हैं, बैरिगेटिंग टाइप। काफ़ी अच्छा है ताजमहल देखने के लिए, वन टाइम एक्सपीरियंस है। बाकी से कुछ गेल पे फाइन है, सेवन वंडर से वेरी गुड पूजा। गाइस ये ताजमहल की सेकंड साइड है, एंड क्या सही लग रहा है, सनसेट हो रहा है पीछे की साइड में। एंड ये एंड अभी देखते हैं, मैंने कुछ वीडियोस निकले थे उस तरफ से, निकल कर वापस उधर जाके पूरा बैक साइड घूम के, ये वाला रिवर साइड है, पूरा बैक साइड घूम के अभी इस तरफ आ रहे हैं। एंड ये रहा अपना सन, अभी सन को ऐड करेंगे एंड देन एक वीडियो बनाएंगे सिनेमैटिक में, लेट्स चेक आउट फ्रॉम। गाइस पूरा अभी घूम के हो लिए, सनसेट भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये अपनी पूरी जाएंगे और अपन अभी निकल रहे यहाँ से घर के लिए। अंग्रेज चांगली एकदा ग्रुप वर ही पाठवलं ना सेम फोटो एंट्रन्स।